दोस्तों नमस्कार, ई एंड आई गुरु चैनल में मैं संदीप चौहान आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के वीडियो में हम एनर्जी मीटर के कनेक्शन के बारे में बात करेंगे। दोस्तों यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं कि एनर्जी मीटर के अंदर सीटी और पीटी के कनेक्शन कैसे किए जाते हैं, और इसके साथ साथ हम जानेंगे कि एनर्जी मीटर के अंदर कम्युनिकेशन की केबल को कैसे डालना होता है और कम्युनिकेशन किस प्रकार से होता है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। यहाँ पर मैंने समझाने के लिए स्नाइडर का एनर्जी मीटर लिया है। इस स्नाइडर के एनर्जी मीटर के अंदर सीटी के कनेक्शन और पीटी के कनेक्शन हमें करने होते हैं, उसके साथ साथ हमें कम्युनिकेशन केबल के भी कनेक्शन करने होते हैं। आप जिन भी फीडर के अंदर इन मीटर को लगा रहे हैं तो आपको यह पता होना चाहिए कि उस फीडर के अंदर सीटी यानी करंट ट्रांसफार्मर लगा है कि नहीं लगा है। जैसा कि यहाँ पर जो एनर्जी मीटर मैंने लिया है, इस एनर्जी मीटर के अंदर हम वोल्टेज देख सकते हैं, करंट देख सकते हैं, किलोवाट भी देख सकते हैं, और उसके साथ साथ हम इस मीटर के अंदर बहुत सारे पैरामीटर भी देख सकते हैं। तो हमें यदि किलोवाट देखना है तो इस मीटर के अंदर हमें सीटी यानी करंट ट्रांसफार्मर के कनेक्शन भी करने होंगे और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के कनेक्शन भी यहाँ पर करने होंगे। अब हम इस मीटर के पीछे चले जाते हैं, इस मीटर के बैक साइड में देखते हैं कि हमें कौन कौन से वायर कहाँ पर जोड़ने हैं। जैसा कि जब भी हम किसी मीटर को इंस्टॉल करते हैं तो हमें उस मीटर की स्पेसिफिकेशन पता होनी चाहिए, यानी कि उस मीटर के अंदर इनपुट वोल्टेज कितना है और उस मीटर के अंदर करंट ट्रांसफार्मर किस रेटिंग का लगना चाहिए। उसके साथ साथ हमें पीटी यानी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर की रेटिंग क्या क्या है वो सब पता होना चाहिए। जैसा कि यहाँ पर हमने जो एनर्जी मीटर लिया है, इसके अंदर जो कंट्रोल वोल्टेज है वह 44 वोल्ट से 277 वोल्ट हम इस मीटर के अंदर यूज कर सकते हैं। उसके साथ साथ इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वह 45 से 65 हर्ट्ज तक है। उसके साथ साथ यहाँ पर हम डीसी वोल्टेज भी इसके अंदर यूज कर सकते हैं, जिसकी रेटिंग 44 वोल्ट से 277 वोल्ट है। अब इस मीटर के अंदर हमें पीटी कितने वोल्टेज का लेना है वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर पीटी का जो वोल्टेज है वह 35 वोल्ट से लेकर 480 वोल्ट तक हम पीटी के वायर जोड़ सकते हैं, और पीटी के जो वायर जोड़ेंगे उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज से 60 हर्ट्ज होनी चाहिए। अब यहाँ पर हम जो सीटी के कनेक्शन करेंगे वह सीटी 1 एम्पियर से 5 एम्पियर तक की उसकी रेटिंग होनी चाहिए, और सीटी का जो आउटपुट करंट है वह 5 मिली एम्पियर से लेकर 6 मिली एम्पियर तक होना चाहिए। अब जब हम इसकी रेटिंग को देख लेते हैं तो हमें सीटी और पीटी के कनेक्शन करने होते हैं। जैसा कि इस मीटर में यहाँ पर V1, V2, V3 और VN दिया हुआ है, तो यहाँ पर हमें पीटी के वायर जोड़ने हैं। जैसा कि हमने वोल्टेज रेटिंग देख ली थी, तो यहाँ पर हमें पीटी वोल्टेज यदि हमारे पास 110 वोल्ट है वो भी कनेक्ट कर सकते हैं। उसके साथ साथ यदि हमारे पास 415 वोल्ट पीटी है तो हम वो भी यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। इस मीटर के अंदर आगे फेज और न्यूट्रल के वायर कनेक्ट करने हैं। जैसा कि यहाँ पर एल लिखा है तो हमें यहाँ पर फेज देना होगा, और न्यूट्रल लिखा है तो हमें यहाँ पर न्यूट्रल सप्लाई देनी होगी। जैसा कि ऑक्सिलरी सप्लाई हम 44 वोल्ट से लेकर 270 वोल्ट तक दे सकते हैं। इसके बाद इस मीटर के अंदर नीचे S1, S2, S1, S2, फिर वापस से S1, S2 दिया हुआ है, और यहाँ पर A1, A2 और A3 लिखा हुआ है। जहाँ पर दोस्तों हमें A1, A2 और A3 दिया हुआ है, तो यह तीनों सीटी है, और तीनों सीटी का जो S1 वाला वायर है हमें यहाँ पर कनेक्ट करना है, और S2 वाला वायर फिर यहाँ पर कनेक्ट करना है। इसी तरीके से दूसरी सीटी का S1 वाला वायर यहाँ पर कनेक्ट करना है और S2 वाला वायर इस जगह पर कनेक्ट करना है, और तीसरी सीटी का हमें S1 वाला वायर यहाँ कनेक्ट करना है और S2 वाला वायर यहाँ पर कनेक्ट करना है। अब यहाँ लास्ट में हमें D0 माइनस और D1 प्लस लिखा हुआ है, तो हमें यहाँ पर कम्युनिकेशन के वायर कनेक्ट करने होते हैं। जब भी हम मीटर में सीटी और पीटी के कनेक्शन करते हैं तो हमें कुछ सावधानियां भी रखनी होती हैं। जैसा कि हमें जब जब सीटी के कनेक्शन करने होते हैं तो हमें सीटी को हमेशा शॉर्ट रखना होता है। यदि हम सीटी को ओपन कर देंगे तो हाई वोल्टेज के कारण सीटी हमारी खराब हो जाएगी, यानी सीटी हमारी जल जाएगी। इसलिए हमें सीटी को हमेशा शॉर्ट करके रखना होता है। जिस भी फीडर के अंदर आप कनेक्शन कर रहे हैं तो आपको उस फीडर के अंदर सीटी के वायर कहाँ से जा रहे हैं उसका ध्यान रखना होगा। जैसा कि यहाँ पर मैं आपको जो फीडर बता रहा हूँ, इस फीडर के अंदर सीटी के वायर यहाँ से जा रहे हैं, तो हमें इस फीडर के अंदर यहाँ पर शॉर्टिंग लिंक दिया हुआ है। इस शॉर्टिंग लिंक को हम यदि ऊपर की तरफ कर देते हैं तो हमारी सीटी शॉर्ट हो जाएगी। एक बार सीटी शॉर्ट होने के बाद हम मीटर के अंदर अब सीटी के कनेक्शन कर सकते हैं। इसी तरीके से यदि हम पीटी के कनेक्शन कर रहे हैं तो पीटी की कनेक्शन करते वक्त हमें इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि पीटी को कभी भी शॉर्ट नहीं किया जाना चाहिए। यदि पीटी को शॉर्ट कर देंगे तो पीटी हमारी ख़राब हो जाएगी, यानी शॉर्टिंग से पीटी के फ्यूज उड़ सकते हैं और पीटी भी डैमेज हो सकती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर तीन फ्यूज़ दिए हुए हैं। यदि हम इन तीनों फ्यूज़ को निकाल लेंगे तो हमारी जो पीटी है वह ओपन हो जाएगी और हम पीटी के कनेक्शन अब कर सकते हैं। काफ़ी सारे फीडर के अंदर थ्री पोल की एमसीबी का भी यूज़ किया जाता है। यदि हम उस एमसीबी को भी ऑफ कर देंगे तो भी हमारी पीटी की सप्लाई ऑफ हो जाएगी। अब हमें वायर को मीटर पर कनेक्ट करना है। वायर को मीटर पर कनेक्ट करते वक्त हमें ध्यान रखना होगा पोलैरिटी का। पोलैरिटी का हमें इसलिए ध्यान रखना होता है कि यदि हम गलत तरीके से वायर के कनेक्शन कर देंगे तो हमारे मीटर के अंदर जो रीडिंग आएगी वह गलत आएगी, इसलिए हमें पोलैरिटी का विशेष रूप से ध्यान रखना होता है। अब दोस्तों यहाँ पर हमने मोटर वाला फीडर लिया है। इस मोटर के फीडर के अंदर इस यहाँ पर तीन सीटी लगी हुई है। इस सीटी के अंदर इस पॉइंट पर S1 है और इस पॉइंट पर S2 लगा हुआ है, और यहाँ पर जो पहली सीटी लगी है वह R फेज के अंदर लगी है, दूसरी सीटी Y फेज के अंदर लगी है, और तीसरी सीटी B फेज के अंदर लगी हुई है। और इसी तरीके से जो पीटी के वायर आएंगे वह सबसे पहले R वायर से निकलेंगे, दूसरा पीटी का वायर Y वायर से निकलेगा, और तीसरा B फेज से निकलेगा।
अब हमें सबसे पहले जो आर वाला वायर है वह यहाँ पर लाकर कनेक्ट करना होगा, और आर वाले वायर की जो सीटी है उसका S1 पॉइंट हमें यहाँ पर लाकर कनेक्ट करना होगा, और उसका S2 वाला पॉइंट हमें यहाँ पर कनेक्ट करना होगा। इसी तरीके से जो येलो वाला फेज़ है उस येलो वाले फेज़ के PT के कनेक्शन हमें यहाँ पर करने होंगे, और येलो वाला फेज़ पे जो सीटी लगी है उस सीटी के कनेक्शन हमें यहाँ पर करने होंगे। सीटी का जो S1 वाला पॉइंट है हमें यहाँ पर लाकर जोड़ना होगा, और S2 वाला पॉइंट है हमें यहाँ पर लाकर जोड़ना होगा। इसी तरीके से जो ब्लू वाला फेज़ है, ब्लू वाले फेज़ के अंदर से जो PT का वायर आ रहा है उस PT के वायर को हमें यहाँ पर लाकर कनेक्ट करना होगा, और जो ब्लू वाले फेज़ की सीटी है उस सीटी का S1 पॉइंट वाला वायर हमें यहाँ पर लाकर कनेक्ट करना होगा, और S2 वाला पॉइंट यहाँ पर लाकर कनेक्ट करना होगा। और हमें इस फीडर से एक न्यूट्रल भी लाना होगा, उस न्यूट्रल वाले वायर को हमें यहाँ पर लाकर कनेक्ट करना होगा। यदि हमारे फीडर के अंदर कोई न्यूट्रल नहीं है तो हमें न्यूट्रल कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, हम मीटर के अंदर जाकर सेटिंग चेंज कर देंगे तो भी हमारा जो फीडर है वह वोल्टेज, करंट और किलोवाट सही सही बताएगा। यदि हम इस तरीके से इस मीटर के अंदर कनेक्शन करेंगे तो हमारी जो मीटर की रीडिंग है वह बिल्कुल सही आएगी और पोलैरिटी भी सही रहेगी। इस मीटर के अंदर यहाँ पर फेज और न्यूट्रल दिया हुआ है, यानी इस मीटर को यहाँ पर ऑक्सिलरी सप्लाई देनी है। इस ऑक्सिलरी सप्लाई को हम इस मीटर के इस RYB पॉइंट से भी उठाकर दे सकते हैं, और न्यूट्रल पॉइंट को भी हम यहाँ से दे सकते हैं। यदि हम यहाँ से नहीं देना चाहें तो भी हम कहीं से भी फेज को उठाकर और न्यूट्रल को उठाकर इस मीटर की ऑक्सिलरी सप्लाई को दे सकते हैं। इसी तरीके से इस मीटर के अंदर बहुत सारे कनेक्शन होते हैं। यदि आपके पास सिंगल फेज़ वाला सोर्स है तो भी आप मीटर के अंदर सिंगल फेज़ का कनेक्शन भी कर सकते हैं, यदि टू फेज़ वाला सोर्स है तो भी टू फेज़ वाला कनेक्शन कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैंने बहुत सारे आपको डायग्राम बताए हैं, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग आप इस मीटर के अंदर बहुत सारे कनेक्शन कर सकते हैं। मीटर में आप जिस तरह का कनेक्शन करेंगे उस तरह की सेटिंग आपको मीटर के अंदर डालनी होगी, यानी आप मान लीजिए कि सिंगल फेज़ का मीटर के अंदर कनेक्शन करते हैं तो आपको मीटर की सेटिंग में जाकर सिंगल फेज़ वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा। यदि आप सिंगल फेज़ वाले ऑप्शन को सेलेक्ट नहीं करेंगे तो आपका मीटर गलत रीडिंग शो करेगा। इसी तरीके से हमारे फीडर के अंदर जो सीटी लगी होती है उस सीटी पर सीटी का रेशो दिया होता है, तो हमें मीटर के अंदर सीटी का प्राइमरी रेशो और सेकेंडरी रेशो दोनों डालना होता है। उसके बाद यहाँ पर हमने इनपुट में वोल्टेज कितना लिया है, यानी PT की सप्लाई कितने वोल्टेज तक ली है, वह भी हमें मीटर के अंदर सेटिंग में जाकर डालना होता है, तभी हमारा मीटर सही रीडिंग शो करेगा। तो दोस्तों इस तरीके से हम मीटर के अंदर सीटी और PT के कनेक्शन करते हैं। और दोस्तों मीटर के अंदर सेटिंग को कैसे अपडेट किया जाता है उसके लिए मैंने अलग से काफ़ी सारे वीडियो बना रखे हैं, और उन वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उस लिंक को ओपन करके भी उन मीटर की सेटिंग को देख सकते हैं। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और इसी तरह के टेक्निकल वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और इस वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, और दोस्तों शेयर जरूर कर दीजिए ताकि सभी को इसका फायदा हो सके। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।